वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से और एयरफोर्स स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें सैलरी 67,350 रुपीज़ पर मंथ रहेंगे सैनिक स्कूल में, और एयरफोर्स स्कूल में परमानेंट पोस्ट है। एयरफोर्स स्कूल में जो पोस्ट है वो परमानेंट है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। तो कमी है, बहुत ही कम वैकेंसीज हैं, बट किसी के काम आ जाएंगी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। तो दो अलग अलग पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा, एक में सैनिक स्कूल की वैकेंसी और दूसरे पीडीएफ में एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसी है। तो सबसे पहले वैकेंसी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की है, और क्योंकि सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे कैंडिडेट सोशल साइंस से रहते हैं, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, तो कई कैंडिडेट के यूज में आ जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूआर लिखा है, अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित सीट है। तो मतलब रिजर्वेशन का कोई इसमें नहीं है कि किसी खास वर्ग के लिए या किसी खास कैटेगरी के लिए ये रिजर्व है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कैटेगरी के सभी वर्गों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 67,350 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा, और क्योंकि ये रेसिडेंशियल स्कूल रहता है तो इसमें फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स रहता ही है स्टाफ मेंबर के लिए। रेसिडेंशियल है तो वो बोले कभी लिखे कभी नहीं लिखे एडवर्टीजमेंट में, बट उनका वही रहता है कि रेसिडेंस एंड जो मील्स रहता है वहीं पर रहता है अरेंजमेंट सारा स्टाफ मेंबर के लिए। इनके जो रेसिडेंस रहते हैं उसमें विद फैमिली या विदाउट फैमिली ऐसे भी आप रह सकते हैं। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्यों टीजीटी की पोस्ट है इसके लिए। और एज में रिलैक्सेशन वगैरह इसमें मोस्टली देख लेते हैं। वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट की है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं, तो इसमें 500 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट लगेगी, लेकिन जनरल एंड ओबीसी के लिए एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़। एससी एसटी कैटेगरी में अगर आप फी में कंसेशन चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फी में कंसेशन जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 250 रुपीज़ देते हैं आप एससी एसटी कैटेगरी के लिए और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है प्रॉपर, तो वो कैंसिल हो जाएगा फिर। तो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, पेएबल एट एसबीआई बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ब्रांच झांसी उत्तर प्रदेश, ब्रांच कोड इतना। तो आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में चले जाएं और वहां पर आप जाके बताएं कि आपको ये डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, इतने अमाउंट की डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। वो आपको बना के देते हैं बैंक वाले, आपको कुछ उसमें करना नहीं रहता है। मोस्टली मुझे लगता है फॉर्म यहाँ पे दिया रहता है, झांसी से वैकेंसी है सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश से। तो पहली वैकेंसी झांसी उत्तर प्रदेश सोशल साइंस की है, और इसमें जो है ना एड्रेस दिया हुआ है आपको, रजिस्टर्ड पोस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे लिख भी देते हैं, देखिए इंडियन पोस्टल सर्विसेज, मतलब जो गवर्नमेंट सरकारी पोस्ट ऑफिस रहती है वहां पर ही जाना है, उसी से रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, क्योंकि प्राइवेट वाला कभी नहीं पहुंचा पहुंचा तो आपका जो पूरा प्रोसेस आपने किया डिमांड ड्राफ्ट बनाया वो सब वेस्ट हो जाता है। इसलिए वो बोलते हैं कि इंडियन पोस्टल सर्विस से ही करें। ये एड्रेस दिया हुआ है, इसी पर आपको करना है एप्लीकेशन, हाथ से जाके नहीं करना है। जो एनवेलप है मेन एनवेलप, उसमें आपको पोस्ट का नाम, आपका अपना नाम, आपका अपना एड्रेस, पिन नंबर, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर लिखना है। रिटन टेस्ट होता है इसमें, इंटरव्यू भी होती है, डेमो क्लास भी होता है, सब कुछ होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से चेक करेंगे और अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा सोशल साइंस वाले का रहता है कि इसपे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एवरेज में भी, और 3 साल आपने जो है ना पढ़ा होना चाहिए सब्जेक्ट। अब कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन लेवल में हिस्ट्री होना चाहिए ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस के साथ में, या फिर ज्योग्राफी होना ही चाहिए उसके साथ हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी में एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके साथ बाकी कॉम्बिनेशन में रह सकता है। इसके साथ सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, और इसके साथ जो है ना बीएड तो मांगते ही हैं। सीटेट पेपर 2 है तो ऑब्वियसली आपके पास बीएड वगैरह होगा ही, तो बीएड मांगते हैं टीजीटी में। तो ये हो गया पहली पोस्ट जो है ना उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल झांसी से है। दूसरी जो वैकेंसी हुई आई हुई है ना, उसमें एक डेट जो है ना, दो जगह अलग अलग डेट लिखी है, ये वाली डेट आपको इग्नोर करनी है, ये डेट सही नहीं है 20 अक्टूबर, ये गलत डेट है। अभी डेट इसकी जो है ना फ्रेश, वीडियो को आप ध्यान से नहीं देखेंगे फिर आप कहते हैं कि डेट निकल गई, तब डेट ये गलत डेट इन्होंने प्रिंट कर दिया, ये नीचे जो डेट लिखा है ना ये सही डेट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 नवंबर तक आपको अप्लाई कर देना, इसमें फीस भी नहीं मांगते, और ये भी ये परमानेंट पोस्ट है। तो एयरफोर्स स्कूल देख लेते हैं, ये भी सोशल साइंस टीजीटी के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए रेगुलर लिखा हुआ है, और इसमें सीटेट, इसमें एज क्राइटेरिया अच्छी रहती है, देख लेते हैं।
ये वैकेंसी जो है कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि परमानेंट है। तो एयरफोर्स कुल अवधि चेन्नई में, चेन्नई से वैकेंसीज हैं, और तो चेन्नई से अवधि चेन्नई 600055 थ्रू पोस्ट। ये डेट नहीं देखनी, ये डेट मिसप्रिंट हुई है, ये गलत डेट है। 3 नवंबर तक आप जो ना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं, 3 नवंबर 2024। इसमें भी टीजीटी सोशल साइंस के लिए चांस ऐसा है कि एक एक ही पोस्ट है और दोनों जगह सोशल साइंस ही है। इसमें वैसे ही कॉम्बिनेशन रहेगा आपका सेम की एनी टू आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। यही पहले भी था ना, सभी जगह ऐसे ही रहता है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो जरूर रहना चाहिए, और उसके साथ में फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी दो सब्जेक्ट रहना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी या ज्योग्राफी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इसमें सीटेट नहीं मांगते हैं, अच्छी बात ये रहती है। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 55 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। टेट या सीटेट इसमें मैंडेटरी नहीं रहता बिल्कुल। डिजायरेबल में डालते हैं सीटेट है या फिर चेन्नई से टेट है। तो आप अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, इन्होंने कोई फॉर्म वगैरह तो दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबमिट देयर रेज्यूमे। आप अपना रेज्यूमे एक बनाएंगे और सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लेटर लिखेंगे। एप्लीकेशन लेटर के लिए आप जो है ना सैंपल एप्लीकेशन सरोज मिश्रा, यहाँ पे सर्च में करेंगे सैंपल एप्लीकेशन सरोज मिश्रा, तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। 2 साल पहले मैंने बनाई है, 4 मिनट 50 सेकंड की। इसमें एक ब्लॉग की लिंक दी हुई है मैंने, उससे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और उसमें आप अपना नाम एडिट कर लेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह जो एड्रेस है वो एडिट कर लेंगे। एंड ये एप्लीकेशन लेटर पहले आप लिखेंगे एयरफोर्स कुल अवधि के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो परमानेंट पोस्ट है। तो पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने दिया नहीं है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लिखेंगे। उसके बाद तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने यूट्यूब वीडियो देखा, अगर उससे एप्लीकेशन आपने टाइप कर लिया या लिख लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, हो गया। इसके बाद जो है ना आपकी बायोडाटा अपडेटेड होगी वो, और जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सबकी फोटोकॉपीज आपको साइन करनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना, और ये सब आपको जो है ना बाई पोस्ट 3 नवंबर 2024 तक प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल ऑफ दी चेन्नई 55 पे भेज देना, दिए गए एड्रेस पर। जो एनवेलप आप यूज करेंगे उस एनवेलप पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल साइंस फॉर एयरफोर्स स्कूल ऑफ दी चेन्नई का पूरा फुल एड्रेस, आपका अपना फुल एड्रेस, पिन नंबर, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली मेंशन ऑन एप्लीकेशन और बायोडाटा और बोथ। तो ये हो गया, तो दोनों की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। तो ये वाला जो है ना सैनिक स्कूल का, सैनिक स्कूल में क्या क्या अटैच करना है, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, ये आपको पढ़ लेना है पहले। इन्होंने क्या क्या बताया है, बहुत सारी चीजें बताते हैं ये अप्लाई करने के लिए। इसमें आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ, पोस्टल स्टाम्प 27 रुपीज लगा हुआ, खुद का एड्रेस लिखा हुआ, एक एनवेलप भी डालना होता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालने होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट डालना होता है कैटेगरी के हिसाब से, और जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो सब डालने होते हैं। यहाँ देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड से लेके पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, और भी कुछ चीजें हैं। तो इसमें बीएड मांगते हैं तो बीएड लगेगा, सीटेट मांगते हैं तो सीटेट की फोटोकॉपी लगेगी, ये सारी चीजें लगेगी। तो ये पढ़ लेना, आपको दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।